चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज पर जो कि हमारे पास है 1.4। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है प्रॉपर्टी और कौन सा नहीं करता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ए और बी। तो देखते हैं ए और बी हमारे पास कंफर्मेबल है या नहीं, यानी कि हम लोग इसको इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं या नहीं। तो ए एंड बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, अगर हम लोग ए और बी को देखेंगे तो ए में हमारे पास रॉ कितने हैं, ए में हमारे पास सबसे पहले वाले में हम लोग कॉलम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अच्छा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉलम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रॉ। ठीक है, तो ए में हमारे पास कितने कॉलम और रॉ है, तो ए में हमारे पास है 1 कॉलम। ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ मैं, तो ए में हमारे पास 1 कॉलम है और बी में हमारे पास 1 रॉ है, यानी ये कंफर्मेबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे कि ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सही है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, ए और बी तो का तो मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, दूसरा एक प्रोडक्ट ले लूँगी। तो चलिए दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग किस चीज़ का ले लेंगे, ए और बी का। पहले ए को इन सब के साथ करेंगे, फिर बी को इन सब के साथ, फिर सी को इन सब के साथ, फिर डी को इन सब के साथ। ठीक है, तो ए को हमने बी के साथ कर लिया, नाउ ए को सी के साथ करेंगे। तो अगर हम लोग ए और सी को करेंगे तो ए में हमारे पास ए और सी का प्रोडक्ट, ए में हमारे पास कितने कॉलम हैं, ए में हमारे पास 1 कॉलम है और सी में हमारे पास 2 रॉ हैं, यानी हम लोग ये नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट कम्फर्टेबल। तो ये हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट हो गया। नाउ ए और डी को देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए और डी। तो ए और डी, तो ए में हमारे पास कितना है, 1 कॉलम है और डी में हमारे पास क्या है, 1 रॉ है, यानी ये दोनों कंफर्मेबल हैं, हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फिर चलते हैं बी की तरफ। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग ने ए बी ए सी ए डी ले लिया, अब हम लोग बी ऑफ ए लेंगे। ठीक है, बी को ए के साथ करेंगे, तो बी और ए। तो बी में हमारे पास क्या है, कॉलम को अगर देखा जाए तो बी में 2 कॉलम हैं और ए में क्या है, ए में हमारे पास 2 रॉ हैं, तो हम लोग ये दोनों कर सकते हैं। तो ए बी और ए हमारे पास कंफर्मेबल है। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। नाउ बी और ए तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, बी और सी लेंगे। तो बी और सी, तो अगर देखा जाए तो बी में हमारे पास क्या है, 2 कॉलम हैं और सी में हमारे पास क्या है, 2 रॉ हैं, तो हम लोग ये दोनों भी कर सकते हैं। तो बी और सी भी हमारे पास क्या है, कंफर्मेबल है। नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, बी और डी कर लेंगे। तो बी और डी, तो बी में हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है और डी में हमारे पास क्या है, डी में हमारे पास 1 ही रॉ है, यानी ये दोनों हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये होल्ड नहीं करता प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सी को करेंगे। तो सी को ए के साथ करेंगे, तो सी में हमारे पास कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, ए में हमारे पास कितने रॉ हैं, 2 रॉ हैं, यानी ये दोनों कंफर्मेबल हैं। ठीक है, नाउ सी तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सी को ए के साथ कर लिया, सी को बी के साथ करेंगे। तो सी में ऑलरेडी हमें पता है 2 कॉलम हैं और बी में अगर देखा जाए तो 1 रॉ है, यानी ये कंफर्मेबल नहीं है। ठीक है, नाउ ये हो गया, सी बी हो गया, अब सी और डी करेंगे। सी और डी, तो सी में हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है, डी में हमारे पास 1 रॉ है, यानी ये भी हमारे पास कंफर्मेबल नहीं है। तो ये भी हो गया, नाउ आगे बढ़ते हैं, डी को लेते हैं। डी को ए के साथ लेंगे, तो डी में हमारे पास कितने कॉलम हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हैं, इसमें हमारे पास क्या है, 2 रॉ है, तो ये हमारे पास कंफर्मेबल नहीं है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, डी और ए हो गया, डी और बी देखते हैं। डी में 3 हमारे पास कॉलम है, इसमें 2 रॉ, इसमें 1 रॉ है बी में हमारे पास। ठीक है, 1 लिख देंगे तो ये कंफर्मेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्रॉस हो गया। नाउ बी और सी करेंगे, मतलब डी और सी करेंगे। तो डी में हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है, इसमें हमारे पास 2 रॉ है, यानी ये भी कंफर्मेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास पूरा का पूरा आंसर। हमने सारे के सारे जितने भी पेयर्स बन सकते थे हमने बना लिए,
और हमने बता दिया कि कौन सा कंफर्मेबल है और कौन सा नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए पार्ट जो नहीं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमसे क्या कहा गया है। 2 हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं एंड 3 हमसे सवाल पूछे गए हैं। बोला गया है इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी, यानी हमें कंफर्टेबली चेक करनी है कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है एक दूसरे के। एंड देन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड बी ऑफ ए, तो हमने ये भी चेक करना है, तो उसके लिए हमने ऑर्डर को चेक करना होगा कॉलम और रॉ के, ठीक है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए। देन लिखा है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइंड करना है पॉसिबल प्रोडक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर किस चीज़ की, 2 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में है पार्ट ए मतलब पार्ट 1, तो उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। लिखा गया है इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी, तो ए बी को पॉसिबल है कि हम फाइंड कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें ऑर्डर चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास -1, 2, 0, 1 एंड बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 3 एंड -2। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में क्या चेक करते हैं, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रॉ। फर्स्ट में हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है 2 कॉलम्स और बी में हमारे पास क्या है, एंड बी में हमारे पास 2 रॉ है 2 रॉज, ठीक है, 2 कॉलम्स 2 रॉज। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी पॉसिबल है कि हम फाइंड कर सकते हैं, ए बी आर कन्फर्मेबल, ठीक है, तो ए बी हमारे पास कन्फर्मेबल हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड बी एंड ए। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हमारे पास मैट्रिक्स चेंज होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, किस तरह से, क्योंकि हमने सबसे पहले मैट्रिक्स में फाइंड करना होता है कॉलम एंड देन हमें फाइंड करना होता है रॉ। तो अगर बी पहले आ जाएगा तो बी में हमारे पास, देखिए बी में हमारे पास कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है, और जो है हमारे पास ए, ए में कितने रॉ हैं, 2 रॉ हैं, तो 1 और 2 ऑर्डर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो बी ऑफ ए इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर आप लिख सकते हैं कंफर्मेबल, ठीक है, यहाँ पर भी ए और बी आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे 2 पार्ट्स। नाउ हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। बोला गया है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी इन दोनों में से जो हमारे पास पॉसिबल है उस प्रोडक्ट को फाइंड करें। तो पॉसिबल कौन सा था, पार्ट 1 पॉसिबल था ए एंड बी, तो चलिए ए एंड बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एंड इसी से हमारे पास क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। तो चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं एंड जो ए बी है वो फाइंड करते हैं। तो इसका हम लोग बोल देंगे पार्ट 3, और इसको हटा देते हैं, ए और बी हम लोग फाइंड करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो ए एंड बी इज़ इक्वल टू, एंड ख़त्म हो गई, हम लोग दूसरा मार्क कर लेते हैं। तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू, ए क्या है -1, 2, 0, 1 और बी क्या है हमारे पास 3 एंड -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट रॉ लेते हैं एंड फर्स्ट कॉलम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी यहीं पे ये करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास -1 × 3 + 0 × -2, ठीक है, एंड देन इस रॉ को हम लोग ले लेंगे, इस रॉ को ले लेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × 3 + 1 × -2, ठीक है। तो ये हो गया है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट व्हाट, 3 − 1 − 3 हो जाएगा, +2 और 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, देन 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -2, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इधर हम लोग 4 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 3 और 4 जो है वो आंसर आ गया, एंड दिस इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी, एंड बोला गया है कि फाइंड करें ए और बी के प्रोडक्ट को एंड सी एंड डी के प्रोडक्ट को। तो चलिए फाइंड करते हैं, एंड हमें पहले से पता है कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम है, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास 2 कॉलम है, सेकेंड में 2 रॉ है, 2 by 2 का ऑर्डर है इनका। तो चलिए फाइंड करते हैं पार्ट 1 को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट वन. ठीक है, पार्ट वन में हमें क्या बोला गया है कि ए एंड बी के प्रोडक्ट को फाइंड करें. ए हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारे पास है टू, नहीं ए मैट्रिक्स है हमारे पास फोर थ्री वन एंड वन, और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है वन माइनस वन माइनस थ्री एंड फोर. सो लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए एंड बी इक्वल टू फोर थ्री वन वन एंड वन माइनस थ्री माइनस वन एंड फोर. तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं. फर्स्ट का हम लोग रॉ लेंगे एंड सेकंड का कॉलम लेंगे. ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय वन, ये हो जाएगा प्लस माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन. ठीक है, देन इसी रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फोर. ठीक है, नाउ इस रॉ को ले लेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय वन प्लस ये हो जाएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन. नाउ इसी रॉ को इस कॉलम के साथ कर लेंगे. रिपीटेड हमारे पास स्टेप्स हैं. ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय फोर. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एंड सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फोर एंड ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर एंड ये हो जाएगा प्लस फोर, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस थ्री एंड ये हो जाएगा प्लस फोर. ठीक है, तो ये आगे ना इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस विल बिकम वन, दिस विल बिकम ज़ीरो, दिस विल बिकम ज़ीरो, दिस विल बिकम वन. एंड ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जब हम लोग मैम आधा आधा बोल दिया, जब हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म्स पढ़े थे तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल था. आइडेंटिटी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से होती है, तो हम लोग इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट वन है वो तो कम्प्लीट हो गया ना. चलते हैं पार्ट टू की तरफ और देखते हैं कि पार्ट टू में हमारे पास आंसर क्या आएगा. तो यहाँ पर हमें अब पार्ट टू में क्या दिया गया है कि सी और डी को फाइंड करें. तो सी और डी के लिए हमें सी और डी मैट्रिक्स गिवन है. तो सी हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास थ्री फोर वन एंड टू. ठीक है, एंड नाउ डी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, डी मैट्रिक्स है वन माइनस टू माइनस वन बाई टू एंड टू बाई थ्री. तो ये फर्स्ट ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमें डिवीज़न में भी एक नंबर दिया गया है. तो इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम लोग ये डिवीज़न किस तरह से सॉल्व करते हैं. तो नाउ ये हमारे पास सी और डी फाइंड करना है. तो चलिए हम लोग ले लेते हैं सी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा थ्री वन फोर टू. ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दूसरा मैट्रिक्स जो कि है वन माइनस वन बाई टू एंड माइनस टू एंड टू बाई थ्री. ठीक है, तो चलिए आइए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई वन प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई टू. ठीक है, नाउ इसी रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय टू बाय थ्री. ठीक है, नाउ इसको हम लोग इस रॉ से करेंगे, इस रॉ को इस कॉलम से करेंगे वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन बाई टू एंड देन इस रॉ को इस रॉ को इस कॉलम से. तो ये हो जाएगा हमारे पास वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू बाय थ्री. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मैट्रिक्स आ गया. नाउ क्या करेंगे, इस मैट्रिक को सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी विल गेट द मैट्रिक्स थ्री सी और डी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा थ्री वन थ्री प्लस ये क्या हो जाएगा फोर और टू कट जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा टू और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू. ठीक है, देन थ्री टू दर सिक्स तो माइनस सिक्स होगा एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास फोर और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एट. तो ये हो जाएगा प्लस एट बाय थ्री, थ्री है, हाँ थ्री है, एट बाई थ्री. नाउ वन वन जै वन और टू कैंसिल, तो वन प्लस वन तो मैं डायरेक्ट इधर टू लिख दूँगी. अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, हाँ ये बीच में हमारे पास इधर माइनस है, ये माइनस है तो ये इधर मैंने माइनस लगा ली, तो वन माइनस वन हो जाएगा. नाउ इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा माइनस टू एंड ये हो जाएगा हमारे पास टू फोर ज़ार एट, तो ये हो जाएगा फोर बाय थ्री, तो प्लस फोर बाय थ्री हो गया. ठीक है, तो नाउ इसको अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए. तो इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट थ्री माइनस टू,
तो 3-2 से हमारे पास क्या आता है, 1 आंसर आता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी। एंड नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 10/3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 1/10, एंड दिस विल बिकम 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है सी और डी। और अगर यहाँ पर देखें, ये जो एलसीएम है इसमें बिल्कुल गड़बड़ ना कीजिएगा, ठीक है। ये वाला एलसीएम मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो ये हमारे पास है 6/8/3, ठीक है। तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 × 3 आ जाए 18, और ये 18 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 - 8, तो 10 आ जाएगा बाई 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10/3। तो अब क्या आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या गिवन है, ठीक है।